नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो तक चैनल पे। एस्ट्रो तक चैनल बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बात करेंगे आज हम उन लोगों की जो लोग बीमार हैं, जो शारीरिक समस्या से पीड़ित हैं कहीं ना कहीं, और इलाज कर करके थक चुके हैं, दवा का सेवन कर करके थक चुके हैं। अंत में व्यक्ति क्या कहता है थक हार के, कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है जो हमें ठीक नहीं करने दे रही है। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि आंकड़े का पौधा ऐसी समस्याओं में कितना लाभकारी होता है। आंकड़े के पौधे से आप नकारात्मक ऊर्जा झट से निकाल करके फेंक सकते हैं। कैसे, ये हम जान लेते हैं। आंकड़े का पौधा अगर आपके मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने है तो वो अति शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आंकड़े का पौधा मुख्य द्वार के सामने होने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है, साथ ही साथ तांत्रिक बाधाएं भी घर में प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि आंकड़े के पौधे की जड़ में गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। आंकड़े की पौधे की जो जड़ होती है वो गणेश जी को प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है बहुत शुभ होती है। इसके साथ ही साथ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। यदि आपका कोई भी रोग बहुत लंबे अरसे से चल रहा है और अब आपको थक हार के लग रहा है कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो करना क्या है, एक ताबीज लेना है चांदी का, उसमें आंकड़े के पौधे की जड़ आपको डाल करके काले धागे में धारण करनी है। ऐसा करने से कोई भी बीमारी जो आपकी लंबे अरसे से ख़त्म नहीं हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं जो लोग अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, करना क्या है, नित्य रूप से शिवलिंग के ऊपर आंकड़े के सफ़ेद फूल आप अर्पित कीजिए। कोई भी मनोकामना आपकी हो वो पूरी ज़रूर हो जाएगी, अवश्य हो जाएगी। अगर आपको गंजापन लग रहा है, सर में बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो करना क्या है, गंजापन लग रहा है, आंकड़े के अंदर एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है। जब हम आंकड़े की पत्ती या फूल तोड़ते हैं तो दूध जैसा पदार्थ निकलता है जो कि जहरीला माना जाता है। इसको नेत्रों से यानी आंखों से दूर रखना चाहिए, नहीं तो नेत्र खराब होने का डर रहता है। मगर इसी यही दूध जैसा पदार्थ अगर आप अपने सर में जड़ों में लगाएं तो गंजेपन से आप छुटकारा पा सकते हैं। मगर आवश्यक ये है, ध्यान रखना है, ज़रूर है, आपको आँखों से बचा के रखना है। जो लोग लंबे अरसे से बवासीर जैसी समस्या से परेशान हैं उनको क्या करना है, आंकड़े का पौधा जला करके बवासीर वाले स्थान पे उसका धुआं दिखाना है नित्य रूप से। इसमें आपको आराम ज़रूर मिलेगा। बात कर लेते हैं जिन लोगों को खांसी है, खांसी रहती है और बहुत ज़्यादा इलाज कराने के बाद भी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो उन लोगों को क्या करना है, आंकड़े की जड़ लेनी है, इसके साथ साथ काली मिर्च लेनी है। इन दोनों को पीस करके आपको छोटी छोटी गोलियां बना करके नित्य रूप से खानी है, एक सुबह एक शाम। ऐसा करने से कैसी भी खांसी हो आपको उसमें आराम ज़रूर पड़ जाएगा। इसके साथ साथ अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कांटा लग गया है या कांच लग गया है, तो आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आंकड़े का वही दूध जैसा पदार्थ आप अपने शरीर पर जिस जगह पे कांटा लगा है वहाँ पे आप लगाएं तो कांच भी निकल जाएगा और कांटा जो अगर लगा होगा तो उसका भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इतना लाभकारी होता है आंकड़े का पौधा। उम्मीद करती हूँ आपको ये विषय पसंद आया होगा और ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में रोगों से मुक्ति पाएंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जय श्री राधे।